सर वहाँ टाइगर की गुफा के बाहर देखिए सर। हटो हटो पागल कहीं के, तुझे मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? कौन है तू? ये तो कोई पागल नहीं लगता है। लिंगा लायन, लिंगा लायन। तू सिर्फ जंगल का गुंडा है लेकिन मैं पूरे स्टेट का गुंडा हूँ रे। मैं आस्तीन ऊपर करके अपनी जान पे ताल ठोकू तो ढीम ढमाल ढिसुम की आवाज आती है। तुझे शिकंजे में कस लूंगा, चक्की पिसवाऊंगा। ए टाइगर, तू मुझे मुछ दिखा रहा है, तुझे तो छोटी उंगली से मसल कर रख दूंगा, फूक मार कर उड़ा दूंगा रे। कमॉन कमॉन। ए टाइगर, ए ब्रो, ए ए ए बाहर आ रे, ए बाहर आना। तू अंदर क्यों छुप गया? 85 किलो मांस खाता है, मुझसे आकर कंपटीशन करना। अगर मैंने तुझे नहीं हरा दिया तो मेरा नाम भी लिंगा नहीं है। उठा पटाक, बॉक्सिंग फाइटिंग, बाहर तो आ रे। बाहर आ जा। शाबाश मेरे शेर। अरे तू चुपचाप खड़ा क्यों हो गया? कैसा नेशनल एनिमल है तू? गरम गरम खून, ताजा ताजा मांस, बेसब्री से तेरे पेट में जाने का इंतजार कर रहा है। टेस्ट में बेस्ट, आगे आजा फर्स्ट। टाइगर ब्रो, टाइगर की उसे खाने से पहले वो टाइगर को खा जाएगा, गोली मारी है सर। मेरे से आके मुकाबला कर, आजा। मैं कहाँ हूँ? मेरे सामने गोरखा क्यों खड़े हैं? hey, ये पुलिस स्टेशन है, समझा? भाई ये तो धोखा है, तुम लोगों ने मुझे बचाया, तुम्हें पाप लगेगा, माता रानी तुम्हें माफ नहीं करेगी। जुबान काट दूंगा तेरी अगर तूने ज्यादा कचर कचर की तो। साफ साफ बता बात क्या हुई थी, नहीं तो। टाइगर का प्रोफेशनल पोजीशन देखकर मैं भड़क उठा सर। हॉरर पिक्चर की तरह धीरे धीरे सस्पेंस क्रिएट मत कर, फुल स्टोरी बता। सर ये स्टोरी अशोक नायक के बिजी कहानी बचपन से शुरू होती है सर। वहाँ देखिए सर, मेरी माँ है ममता देवी, ये मुझे पूरे एरिया का बड़ा डॉन बनाना चाहती थी सर, और मैंने पान शॉप की तरह डॉन शॉप की ओपनिंग कर दी सर। इस फोटो वाले को खत्म कर दो। नहीं नहीं, उसे बस डराना है। मैं डराने और खत्म करने का एक ही रेट लेता हूँ। फिर भी सुदीप फाइटर, मैंने जो रेट फिक्स किया उसमें कम नहीं करता भाई। आधे पैसे अभी देता हूँ, वार्निंग देके छोड़ दो। सर ओम प्रकाश के फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह लग रहा है सर। शिव शिव का जो नाम लेगा डर नहीं लगेगा। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों मारना चाहते हो? आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा? तेरा कैरेक्टर बहुत ही खराब है। नहीं मैं गलत आदमी नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लगता है डर गया है ना। डर गया। और जोर से किक मारनी चाहिए। देखिए अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत किया ना तो ऊपर वाला आपको सजा देगा। कौन है तेरा ऊपर वाला, जल्दी बोल। वो हमारे घर के भगवान है, मैं भगवान भोलेनाथ का परम भक्त हूँ। अगर मैंने उनसे मदद की प्रार्थना की तो वो दुष्टों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ प्रकट हो जाएंगे। क्या तो भक्त प्रहलाद है या फिर भक्त ध्रुव है, है? बुला उसको। शिव को कौन बचाने के लिए बुला रहा है? उससे आओ आओ मत कहो, शिव का मतलब होता है शिव यानी को। अगर शिव को गुस्सा आ गया तो तीसरा नेत्र खोलेंगे, गले में सांप पहनने वाले हाथ में त्रिशूल रखते हैं, चटाधारी वैरागी भस्म से भी भयंकर है वो। रुद्र कठोर रुद्राक्ष बाहुबली है वो।
अखंड गोपी ब्रह्मांड नायकम्। शिवम्। ए, इससे शिव का तांडव कराओ, जाओ। पेमेंट दिया है उन सारे पैसों से हमारी टूटी हड्डियों का हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे तो भी नुकसान में रहेंगे। इससे लड़ने में हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, सरेंडर करते हैं। ओ लॉर्ड रुद्र शिवा, स्टॉप दिस रबर डांस। किसी से पंगा लेने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए। वो जाने बिना अगर तू कहीं भी एंट्री लेगा तो वहां पर मैं आ जाऊंगा। सॉरी शिवजी, हमारे आदमी पैसे देखकर बहुत जोश में आ जाते हैं, मैं उन्हें अभी कंट्रोल करता हूँ। ओके शिवजी। क्या है? नहीं, इस इंट्रोडक्शन में ये शिवजी के गेटअप में आने का कोई खास रीजन है क्या? भक्तों को वर मांगना चाहिए, कारण नहीं पूछना चाहिए। अगर मुझ पर डाउट करने की कोशिश करोगे तो डेथ की डिटेल्स निकाल दूंगा। इस तरह ओपन सेरेमनी के दिन ही वो ऊपर से नीचे कूद कर मुझे एक दिन का सुल्तान बना दिया था सर। ये सब तो ठीक है। हाँ? हीरो की तरह शिव के गेटअप में जो आया था, हाँ? वो कौन था? वो तो उसका बेटा है। एक बात बता। क्या है सर? अगर वो उसका बेटा है तो फिर उसने इतना प्रलय क्यों बचाया? हाँ? वो वहाँ क्यों आया था? हाँ? शिव के गेटअप में। वही तो है सर उसका ट्विस्ट। कैसा ट्विस्ट? डायरेक्ट आएगा तो उसके डैडी पहचान जाएंगे, इसीलिए डैडी से बचने के लिए शिव के गेटअप में आया था सर। क्या? हाँ सर, वो उसका बेटा है। उसका नाम है टाइगर। अरे बाप रे। ए, पहले भी तुझे सबक सिखाने के लिए सैंपल दे चुका हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती करेगा ना तो तेरा मर्डर कर दूंगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग होगी, समझ गया ना? समझ गया सर, सलमान खान के फिल्म की तरह। समझ गया सर, समझ गया सर। तुझे रुकने को बोला ना। सुनिए सर, मैं आपको वार्निंग देता हूँ। सुनिए सर, मैं आपको वार्निंग देता हूँ। आंखों में आंखें डालकर बात करो। लंबी सांस अंदर खींच कर अचानक से डरा दो। ए, तू चुपचाप खामोशी से क्यों खड़ा है? अगली बार अपने बेटे से झगड़ा करने में गैप रखना। एक बार फिर से उसे दीर्घ श्वास लेकर डराओ। झगड़ा किया तो देख लेना। अरे बाप रे, अरे मर गया, अरे मर गया। मुझे वार्निंग देने
भेजा था, लेकिन तू तो रामायण पढ़ने लग गया। पेपर में लिख कर दिया था, समझ कर नहीं बोल सकता था। सर, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता सर। आवाज को कैसे इम्प्रूव करना है मैं नहीं जानता सर। सर मेरा गला, आंख, नाक, कान सब बंद हो गया है सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। अरे नहीं भाई, उसका बाप अपने बेटे की इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा है, उसे गलत काम करने से रोकता है, तो ऐसे अच्छे इंसान के लिए सुपारी देने की नौबत कहां से आ गई? आप भी देखिए सर। पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करके देश की सेवा करना यही मेरा एम है, लेकिन मेरे पिताजी मुझे किसी भी हाल में बैंक ऑफिसर बनाना चाहते हैं। दो बेल, दो टीवी, दो फ्रिज देखने से पता चलता है कि यहाँ पर किसी एक के सोच की कोई जगह नहीं है। मेरी हर हरकत पर पिताजी की नजर है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है इस घर में। अरे 7 बज गए, मेरी प्रैक्टिस। नारायण स्वाहा। मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था। गोविंदाय नमः। एक प्रैक्टिस मिस हो जाने से लगता है ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। 8 दिन के अंदर ये बेचारा सूख गया, लगता है ज्ञान मिला होगा। 3, 2, 1। मिस्टर शिवराम। चौबीस दिनों के अंदर अगर मैं आपके सामने खाकी वर्दी पहन कर ना आऊं ना, तो मैं आपका बेटा नहीं। आपने चालाकी से ये बकवास प्लान तो बना लिया, लेकिन पुलिस बनने के मेरे इरादे फेविकॉल की तरह मजबूत हैं। इट्स अ चैलेंज एंड इट्स मी अशोक नायर। अरे एक मिनट रुको बेटा, ऐसा मत समझो कि झगड़ा करने से तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और तुम जीत जाओगे। अगर तुमने फिर से कोई इस तरह की गलती की तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा, इतना मारूंगा कि चोर पुलिस का खेल खेलना ही भूल जाएगा। तू इस जन्म में खाकी पहनने का सपना तो भूल ही जा, इस वर्दी को पहनने के लिए जो पराक्रम और जज्बा होना चाहिए पहले उसे सीख लो। अभी तो मैंने उन्हें फुल बॉटल दी थी, सब खाली कर दी और यहाँ से चले गए। मेरी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बताइए सर। मेरे बेटे पर केस करो। हाँ। जब तुम उस पे केस करोगे तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, वो जेल जाएगा और मैं घर में, और तुम अपने एरिया में शांति से रहोगे। सर एक मिनट सर, सर क्या आइडिया है सर? सर आपका जो रेंज है, आप कोई IAS, IPS या फिर MP MLA बन सकते थे। आप ये क्या कर रहे हैं सर? अरे भैया आपने तो कमाल कर दिया, पुदीने की चटनी, गरम गरम चपाती तो कमाल थी, पूरे किटी पार्टी में आपका खाना तो फेमस हो गया है भैया। साहब है क्या? लीजिए। सर ये मैडम कौन है, आपकी छोटी बहन है क्या? प्रभु की दी हुई है। हाँ क्या बात है, प्रभु का दिया बेटा, प्रभु की दी बहन, आप भी प्रभु के आदमी है सर। आपकी पूरी फैमिली देवलोक में रहनी चाहिए सर। नमस्ते शिवराम, सब कुछ ठीक तो है? सर आप इससे बात नहीं करते क्या? ये पुलिस है ना। हाँ। इसलिए मैं इसे ढंग से बात नहीं करता, और ये तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है। अच्छा सुनो, इस बार तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग पार्टी लाया हूँ, किसी भी कारण से मिस नहीं होना चाहिए। पर उसका क्या करना है भैया? वार्निंग कम अटेम्प्ट टू मर्डर। सब कुछ आप ही बता दे रहे हो, ये कुछ नहीं बोलता क्या? सर बहुत बुरे दिन आ गए हैं सर, भगवान जैसे पिता को वार्निंग दे रहे हैं सर, एकदम सख्ती से। 1,00,000 रुपए दिए थे सर, और मैं भी 1,00,000 रुपए देकर पूरे जोश में आकर उसको बोला, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बोलकर इनके पीछे भागा। जस्ट थोड़े टाइम के लिए बच गए सर। हाँ सर। सर इनका बेटा धरती का बोझ है सर, वो दुष्ट समाज का खतरनाक कीड़ा है सर। मैं अभी इनके बेटे के खिलाफ कंप्लेन लिखवाता हूँ, आप उसे अरेस्ट कीजिए सर। वो सब देख लेंगे। सर एक पुलिस ऑफिसर के घर आकर, हाँ सर, मैं शहर का गुंडा, हाँ, सुपारी किलर, हाँ, अंडरवर्ल्ड से मेरी डायरेक्ट बात होती है। ए, बता तू है कौन बे? मैं सब पर्सनल होकर बोल रहा था सर। सर यही है सर, बाप बेटे दोनों ने मिलकर मुझे कॉमेडी पीस बना दिया था सर। बहुत बड़ी डील है ये सोचकर मैंने छोटे मोटे काम बंद कर दिए थे सर।
उस एनकाउंटर एसआई ने मुझे सब्जियों की तरह अपनी बातों से काट कर रख दिया था सर। तो तुझे जरूरत क्या थी उसके पास खुद जाने की? इसीलिए मैं टाइगर का शिकार बनने गया था सर। अगर तुझे मरना ही था तो किसी ट्रेन या बस के नीचे आके मर जाता। लेकिन मैं ऐसे मरता तो टाइगर लिंगा के मुकाबले में लिंगा मारा गया सब कहते और हमेशा लोग याद रखते कि टाइगर और लिंगा में जोरदार फाइट हुआ। तुझे टाइगर से मरने की जरूरत नहीं है, बड़े जेल में बहुत लोगों के सामने मरेगा तू। चलेगा, जेल में लिंगा खुश हुआ। जी कहिए सर। अशोक नायर आप ही हैं? बगल वाला घर है। सॉरी सर। हे, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। कुछ नहीं सर, वो बगल वाले घर में। बगल का घर मतलब वो? अच्छा, ओके सर। बेल क्यों बजाते हो? वो सर बगल वाला घर है ना। वो तो यही है। ओ, ये बात है। एक घर के दो हिस्से हो गए हैं। जरा उन्हें बुलाएंगे। अरे नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा ही रहता है, जवान है फिर भी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो डिपार्टमेंट स्टोर खुलवा दो, काम में बिजी रहेगा तो ठीक हो जाएगा। काम की बात करो। अशोक के लिए पुलिस एकेडमी से कॉल लेटर आया है। मेरी नजरों से बचकर वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। मैं खुद उसे दे दूंगा। नहीं दे सकता सर, किसी के हाथ में भी नहीं दे सकता। ये अशोक नायर के लिए है, उन्हें खुद लेना पड़ेगा। हमारा डिपार्टमेंट इस मामले में बहुत कड़क है। 500 रुपए हैं। रूल्स तो होते हैं पर उन्हें कौन फॉलो करता है। ये लीजिए सर, बेटे को दे देना, नहीं तो नौकरी जाएगी मेरी। मैं भी देखता हूँ कि तुम पुलिस वाला कैसे बनते हो। हे भगवान। हे भगवान, मैं रोज तेरा अभिषेक करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाता भगवान, मुझसे ये दर्द सहन नहीं जाता। मेरी पुकार सुन ले। ఎవ్వడంట ఎవ్వడంట నిన్ను ఎత్తుకుంది, ఏ తల్లికి పుట్టాడో ఈ నంది కాని నంది, ఎవ్వరు కనంది ఎక్కడా వినంది, శూన్యారాయిందేమో గంగదరికి లింగమే కదిలొస్తానంది. तुम तो वही भाग्यपल्ली हो ना बेटा। माँ जी, भाग्यपल्ली नहीं, बाहुबली हूँ मैं। कौन है रे तू जो मेरी सोसाइटी का टैंक उठा के लाया? मैं लाया, क्या हुआ? तू लेके आया है? अभी बताता हूँ। अरे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। क्यों बे, सपना देख रहा था? बिजनेस टूर ज्यादा हो जाते हैं तो हीरो की फीलिंग आती है। ऐसा ही है, हम हीरो बने तो राजा बली, लोग हीरो बने तो बाहुबली। सर, बाहुबली आपका ही नाम है? हाँ। साइन कर दीजिए। सर आप तो अशोक है ना? हाँ, ये सम्राट अशोक है और मैं चाणक्य। अरे चुप रहे, अशोक तो मैं हूँ पर आप जिसकी बात कर रहे हो वो अशोक। आपको एसआई सिलेक्शन का लेटर मिला? अरे क्या बात कर रहे हो, क्या सच में? कांग्रेचुलेशन सर, आप उस पोस्ट के लिए एकदम फिट हैं सर, एकदम हीरो लगते हैं। एक दिन आप एसआई जरूर बनेंगे। थैंक्स। इस खुशी में मुझे भी कुछ मिल जाए तो। क्यों नहीं, अच्छे से पार्टी दूंगा। कॉल लेटर दो ना। वो तो मैंने आपके पिताजी को दे दिया, उन्होंने 500 रुपए दिए थे, 200 रुपए आप दे दो। अरे तुझे अपने रूल्स पता नहीं है, मुझे लेटर देने की बजाय मेरे बाप को लेटर देके आ गया। कुरियर बॉय भी अपना गुस्सा क्यों निकाल रहा है? जो तेरे करियर से खेल रहा है उससे जाके पूछ। अब लेटर तो पिताजी के हाथ में चला गया, अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान कश्मीर नहीं छोड़ेगा, दाऊद क्राइम नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे पिता तुम्हें पुलिस नहीं बनने देंगे। अबे तू थोड़ा अच्छा आइडिया देना यार। भाई ये बात चाय पीकर करने वाली नहीं है, लेट्स ओपन द बॉटल्स। यस। अपना दोस्त कुछ बनना चाहता है, पुलिस बनना चाहता है, लेकिन इसका बाप चाहता है कि ये कभी पुलिस ना बने। अरे मानेगा मानेगा। आखिर इसका बाप इससे चाहता क्या है यार? पहले वो चाहता था कि ये ऐसे ना घूमे, अब ये कुछ बनना चाहता है तो इसकी फ्रीडम में टांग अड़ा रहा है वो बुड्ढा। मानेगा उसका बाप, मानेगा।
उसे भी अपनी तरह बेवड़ा बना दे तो घर से भगा देगा। पत्ता खेलना सिखाया तो मुझे भी खेलना पड़ेगा। शादी करा दे तो सही का, अगर उनकी शादी करा देते हैं तो वो इस पे ध्यान ही नहीं देंगे, है ना? अरे क्या बोल रहा है तू? टाइगर तुझे माँ भी मिल जाएगी। तेरा बाप मेंटली और फिजिकली बिजी हो जाएगा तो उसके पास तेरे बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अरे नहीं, उसका बाप मानेगा। कौन है भैया? प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है तब से एंड तक कोरस दे रहा है। रिंग डाउन बार ओनर। यहाँ क्यों आया है ये? ये खर्चा इसी ने किया है, बोला पार्टी करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने पैसे दिए थे ना तुझे? उन्हें 500 रुपए दिए थे, हम 20 बियर लाए, बाकी का पैसा उसने लगाया, तब ये पार्टी हुई। अरे यार, इस उम्र में मेरे बाप को लड़की देगा कौन? लड़की देगा तो तेरा काम होगा। चल हम ही चल के ढूंढते हैं तेरे बाप के लिए लड़की। मैं तो रस्ते से जा रहा था। सुन बल्ली, यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है क्या? ये कामसूत्र गली है, यहाँ लोग मस्ती करने के लिए आते हैं भाई। अच्छा ये वो एरिया है क्या? यस, ये वही एरिया है। तेरे बाप के ग्लैमर के हिसाब से लड़की यहाँ मिल जाएगी, ढूंढते तू ही डील कर ले। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। वो देख तेरी मम्मी मिल गई, चल के उनके चरण छू। कितनी बढ़िया लग रही है, लोखंड वाला की फ्रैंकी है यार। तेरा बाप इस फ्रैंकी को खा के मस्त हो जाएगा और तुझ पे ध्यान ही नहीं देगा। आंटी अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगी तो हम आपको अपनी मम्मी बना लेंगे। मम्मी? क्या बोलता है रे, तेरे साथ कोऑपरेट करूंगी तो मेरे 4 बच्चों का क्या होगा? भाई अपने काम की नहीं है, बापू को बीवी के साथ बच्चे भी मिल जाएंगे। ए, कौन सा सिटी बजा रहा है? बोरगा नहीं है, पुलिस है। क्या पुलिस? अच्छा वो मैं वहां से भाग गया नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ दिया। भाई रुक जा। अच्छा वो पुलिस नहीं पकड़ डर गया क्या? डर वो भी मुझे, वो भी पुलिस का डर। हेलो, बचपन में मेरा एक पुलिस अंकल था, मैं उसके साथ चोर पुलिस खेल के उसी के घर में चोरी करता था, तब से पुलिस से नहीं डरता मैं। तो इसका मतलब तुझे डर नहीं लगता? नेवर। अचानक इस रोड पे कोई भूतनी आ गई तो? आने दे भाई, आई तो सिर उठा के खड़ा हो जाऊंगा। भूतनी के साथ लिप टू लिप किस करूंगा भाई, और हनीमून भी बनाऊंगा। क्या हुआ, डर गया क्या? नहीं मुझे डर नहीं लगता। ए, लाइट क्यों बंद कर दी? वो भूतनी मुझे मार डालेगी। अबे लाइट ऑन कर। अबे रो क्यों रहा है यार? ये तो कभी कभी खुशी में निकल आते हैं, जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर भाई, भाई भाई मैं मर जाऊंगा भाई। लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। लिफ्ट दोगे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना। आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो? भूतनियों के लिए ये दोपहर है भाई। मुझे रात का वक्त बहुत पसंद है। खून तो और भी पसंद होगा। आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना, मुझे रात का वक्त बहुत पसंद है। कंफर्म ये भूतनी है। मुझे रात में घूमना अच्छा लगता है। भूतनी अभी रात में ही घूमती है। ये आप क्या बोल रही हो? मुझे ये जगह पसंद है, इसलिए यहाँ मैं अक्सर आती हूँ। गाड़ी रोको। किस लिए? मेरा घर आ गया। अरे ये तो बहुत ही पुराना बंगलो है, मेंटेन नहीं करती हो क्या? मेंटेनेंस छोड़ो, यहाँ इंसान भी नहीं। बले बले बले, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मार डाले, मुझे छोड़ दो। तू सुबह सुबह यहाँ कैसे? पता नहीं रात को जो अद्भुत मिली थी उसे भूल नहीं सकता। रात में तूने जिसे देखा वो अद्भुत नहीं, भूतनी थी। नहीं यार, उसकी आंखें
कुछ तो कह रही थी। अरे सबकी आंखों में कुछ ना कुछ होता है। ए, वो किस एंगल से तुझे लड़की दिख रही थी है? वो कोई मोहिनी थी जिसने तुझे भी मोह लिया। मोहिनी नहीं यार, मेरे घर की होने वाली जगन मोहिनी। अरे यार, उस चांद ने मेरी जोड़ी उसके साथ बनाई है, इसलिए वो जमीन पे आई है। अबे तू चुप कर, रात में चांद देखा ये भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन चांदनी रात में कोई भूत नहीं तुझे पसंद आएगा ये भरोसा नहीं कर सकता। तू फीलिंग्स नहीं समझेगा, लेकिन तू कुछ भी बोल, मैंने उसे फिक्स कर लिया। ठीक है, अब आगे बोल। भाई ये घर नहीं है, मुझे तो कोई भूत बंगला लग रहा है। कौन है? अबे hey, इस बंगले के बाहर तू अचानक भूत की तरह एंट्री करके हमें क्यों डरा रहा है? मुझे कुछ हो जाता तो। आप थोड़ा नीचे उतरो। सॉरी चाचा जी, कल्पना ऊपर है। पहले माले पे है क्या? नहीं, उसके ऊपर परलोक में। ये आप क्या कह रहे हो? वो मर गई। अच्छा परिवार है, लेकिन विधि के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। 6 महीने पहले पूरे घर वालों ने आत्महत्या कर ली। अभी भी रात में उनकी आत्माएं यहां घूमती रहती है। कई लोगों ने देखा है, तुम लोग भी अकेले मत घूमना फिरना, होशियार रहना। ए, फोन वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट फोन नहीं हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है। अगर उसे भूत नहीं समझ रहे हैं तो मैं यकीन नहीं कर सकता। ये तू पागल हो गया है क्या? लोग प्यार में धोखा खा के भूत बनते हैं और तू भूतनी के प्यार में पागल हो गया? हे भगवान, दिमाग खराब हो गया है तेरा। चल ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। वेरी गुड, रात में देख लेंगे। hey, हमें यहाँ आए पूरा 1 घंटा हो गया है, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिखा। कुत्ते भी रोके बता रहे हैं हम में से कोई मरने वाला है। हे भगवान, तुझे भी ना प्यार में इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए किसने कहा था? यार वापस चलते हैं ना। पानी नहीं तो मछली नहीं, रिस्क के बिना लव हो सकता है क्या? मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। इसी बात का तो डर है कि तू साथ है मेरे। भाई ये आवाज कैसी है? मुझे अकेले छोड़ के मत जा, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुकना, मुझे यहाँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। हेलो टाइगर, अगर मर गए तो लाश आइस बॉक्स में भी नहीं मिलेगी। टाइगर, ये भूत भूतनी का तमाशा करना बंद कर। अशोक कहाँ है तू? कुर्सी भी अपने आप हिल रही है। इन भूतों के चक्कर में मैं भी फंस गया। हे भगवान, रमेश, अरे अरे नाम भी भूल गया, अशोक। अशोक, अशोक वो मुझे मार। क्या हुआ? ए बल्ली, अरे क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? मैंने वहाँ अंदर देखा कल्पना को। कहाँ देखा कल्पना को? कल्पना ही थी कल्पना। इसलिए तुझे हॉरर फिल्में देखने से मना किया था। तू ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़, पहले ये पता कर वो भूत है या इंसान। वो क्यों? मेरी बात ध्यान से सुन, अगर पैर सीधे हो तो इंसान, नहीं तो भूत है वो। आईने में शक्ल दिखे तो इंसान, और अगर नहीं दिखे तो समझ लेना नहीं तो फिर वो भूत है ना। हाँ सही कहा, सही कहा। ऑटो मारेगा क्या? मैडम कहाँ चलना है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आजा बैठ जल्दी। क्या कर रहा है तू? उल्टा क्यों बैठा है यार? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ यार, पैसेंजर की तरह बैठूंगा तो फीलिंग नहीं आएगा ना। तुम तो वही हो ना, कल ही मैंने आपको ड्रॉप किया था, अब कार छोड़कर ऑटो चलाने लगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है मैडम, हमें किसी से भी मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटो चल रहा है ये तो दिख रहा है, लेकिन चला कौन रहा है?
तू यहाँ कैसे आ गया? दौड़ के आया सर। क्यों? आप मुझे छोड़ के आ गए थे ना? भूतनी से ज्यादा तो मैं इसके टॉर्चर से मर जाऊंगा। चला के बैठ जल्दी। ये भूतनी है या लड़की, ये कन्फर्म होना चाहिए। ये यहाँ क्यों खड़ा है? अच्छा मेरा ऑटो में। टाइगर, टाइगर, कौन है वो पता चला? कहाँ गई वो? आईने में दिखाई दी क्या? मतलब दिख रही थी? नहीं दिख रही। मैंने तुझसे पहले ही कहा था वो भूतनी है। पहले तो कंफ्यूज हुआ था लेकिन अब दिल में बस गई है। मैंने वन साइडेड लव स्टोरी सुनी थी, टू साइडेड लव स्टोरी सुनी थी, बट मिडनाइट डेविल लव स्टोरी पहली बार सुन रहा हूँ। जब तू शादी करके हनीमून मनाने जाएगा तो वो भूत भी तेरे पीछे पीछे आएंगे। बच्चा भी भूत, माँ भी भूत। तेरा नाम टाइगर से बदल करके भूत का बाप हो जाएगा। लोग तुझे भूत का बाप कह करके बुलाएंगे। ये बात सोची है तूने? इस वक्त कौन आया यार? ए, अपने घर में ना जाके मेरे घर की डोर बेल क्यों बजाई बता? ए, ए, तू शराब पी के आया है? इसे क्या हो गया? किसी भूत ने पकड़ लिया है क्या? रुको, अभी पता करता हूँ कि आखिर मामला क्या है। उस बेवकूफ को पता होगा कि आखिर इसे हुआ क्या है। अंकल, अंकल, विक्रम मैदान की तरह वो मुझे अपनी पीठ पर लाद कर घूम रहा था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। सच सच बता, मेरे बेटे को हुआ क्या है? ये इज इन लव। रात भर वो उस लड़की के चक्कर में जागा रहता है। उसके दिल में एक सुंदर सी लड़की बस गई है। अंकल, आप शकीरा की तरह बैले डांस करना बंद करिए। वो लड़की है या भूत, मुझे तो अभी भी डाउट है। उसे प्यार हो गया यही काफी है। लड़की से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी बहू अगर भूतनी भी बने तो भी चलेगा, लेकिन मेरा बेटा अगर पुलिस ऑफिसर बन गया तो पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। अशोक, अशोक, क्या बात है सर? सस्पेक्ट करने वाले रिस्पेक्ट कब से देने लग गए? एटीएम कार्ड चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। पेट्रोल के लिए है मेरे पास। जेब खर्च के लिए एक्स्ट्रा है। डैडी दे रहे हैं तो मना मत कर बेटा। पैसा ना हो तो भी बाप के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा मैं। सुनो, इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो तुम्हारा कौन साथ देगा? नमस्ते अंकल। हाय टाइगर। हाय बल्ले। ए अशोक, इतना अच्छा नाम है, क्यों टाइगर बोल के इसका नाम बिगाड़ते हो? सॉरी अंकल। बल्ले, 100 रुपया उधार देना। 100 रुपया उधार दे दीजिए अंकल। मारेगी वो। अबे मैं तुझसे मांग रहा हूँ तो इनसे उधार मांग रहा है। मैंने सोचा कि अगर वो देंगे तो 100 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। देख लिया ना, ऐसा है तुम्हारा दोस्त। ए बल्ले, देखना कब से ये नाटक कर रहा है, अब तू ही इसे समझा कुछ। क्या मैं? हाँ। ए, चल यहाँ से। ये चल, हमेशा डायलॉग ही मारते हैं। हाय। हाँ? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कल ऑटो, आज कार, यही सोच रही हो ना? ये सब आपसे मिलने के लिए। जिस मुहूर्त पर आपने टाइगर की लाइफ में एंट्री मारी, मैं सीधे कार ओनर बन गया। इसलिए मेरी पहली सवारी ये राजकुमारी होनी चाहिए, ऐसा डिसाइड कर लिया। आइए ना, ड्रॉप करता हूँ। प्लीज ना मत बोलिए, प्लीज चलिए ना, प्लीज। यस। भूतनी है या इंसान, पहले ये चेक कर लेना। कल्पना, हाँ? इफ यू डोंट माइंड वन रिक्वेस्ट प्लीज, तुम दाया पैर पहले आगे बढ़ाओ। वो क्या है ना, सेंटिमेंट्स। कल्पना, एक बात पूछूं, कल रात तुम अचानक छोड़कर चली गई थी, ये तुमने ठीक नहीं किया। वो दरअसल कल मैं थोड़ा जल्दी में थी। चलो कोई बात नहीं, आज मैं मेरी तरफ से एक स्मॉल ट्रीट देता हूँ, एंजॉय करेंगे। अरे रे रे, मुझे ये पसंद नहीं। अरे बस 2 ही मिनट लगेंगे। नहीं, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। देखो, तुम्हें जहाँ पर भी जाना हो वहाँ 5 मिनट पहले ड्रॉप करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज कल्पना। ए चुप रहो। थैंक्स। कल्पना, मैं तुमसे डायरेक्टली काम की बात करता हूँ। हर लड़का हमेशा किसी अच्छे मौके की तलाश में होता है,
अगर मौका ना मिले तो एग्जाम हॉल में कैसा लगता है वैसा अब लग रहा है। जो है सीधे सीधे बोल देना चाहिए, ऐसा मारुति साहब ने कहा था। मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही, बट तुम समझने की कोशिश करो, सब समझ जाओगे। जब पहली नजर मैंने तुम्हें देखा था तभी फैसला कर लिया कि तुम मेरी बनोगी, और आज हिम्मत करके मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बस एक बार मेरे बारे में तुम सोच कर बता दो। कल्पना, 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 कल्पना। पेशेंट अभी नॉर्मल है, पर तुम दवाई टाइम पर देना। ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर। आप पेशेंट के रिश्तेदार हो? मैं उसका फ्रेंड हूँ डॉक्टर। एक्चुअली उसने पॉइजन पी लिया था, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया क्या आपने? यस डॉक्टर, मैंने कर दिया। नाउ शी इज ऑल राइट, तुमसे बात करना चाहती है, जाके मिल लो। थैंक यू, इट्स ओके। कल्पना, ये सब क्या है? तुमने मुझे क्यों बचाया? एक खींच के दूंगा ना। प्रॉब्लम क्रिएट होंगे तो सॉल्व करने के लिए लाइफ कोई मोबाइल गेम तो नहीं है ना? एटलीस्ट गेम में एक लाइफ चांस तो होता है, लेकिन यहां पर एक बार आप एग्जिट का बटन दबा दो तो सब खत्म, रिटर्न आने की बात ही नहीं है। हमारे लोग मरते दम तक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाता। कल्पना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा नाम कल्पना नहीं है, गौरी है। मेरी तो एक मिडिल क्लास फैमिली है, ये है मेरा परिवार। हम सब खुशी से जी रहे थे। सुना है कि गलती करने पर सजा मिलती है, पर अगर कोई दूसरा गलती करे उसकी सजा भी हमें मिलेगी, ये मुझे नहीं पता था। ऐसे ही मुझसे भी जिंदगी में एक गलती हो गई। अभी तुझे दर्द हो रहा है ना? उस वक्त तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था। तुझे साइट सिंग का इतना ही शौक है तो चामुंडा मंदिर या चार मुड़ी घाट जाओ। ये सब छोड़कर मेरे कंस्ट्रक्शन साइट में आकर सीमेंट में दम नहीं, ईंट में क्वालिटी नहीं कहकर मेरे काम को रोकने की कोशिश मत करो। अरे भाई, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। आप जो बना रहे हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, अगर क्वालिटी नहीं होगी तो 5 साल में गिर जाएगी। पैसा ना मिले तो किसान मरता है, खाना ना मिले तो इंसान मरता है, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं खाना और पैसा दोनों देने के बाद क्या करता हूँ? मेरे लिए कॉमन सी बात है भाई। मार देता हूँ। मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। तुम्हें इस जन्म में मैं एक राय देना चाहता हूँ, सुन लो। चॉइस मिले तो इस्तेमाल करो और चांस मिले तो ले लो। और जो इस बात को नहीं मानता है उसके लिए चॉइस भी नहीं और चांस भी नहीं। ओए, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? ओए, दिमाग खराब है क्या? अंधा हो गया है, दिखता नहीं गाड़ी कैसे चला रहा है। ए, विंडो खोलो, देखो मेरी स्कूटी का क्या हाल कर दिया। मैडम, वो आप सडनली क्या कहा? याद नहीं है क्या? राजा जी नगर, 3rd ब्लॉक, चंद्रू मामा। चंद्रू मामा? अब उनकी दो लड़कियां थी, क्या नाम था उनका? करेक्ट, गौरी। मैं ही हूँ। MLA बनने के बाद दिमाग खराब हो गया है क्या? नमस्ते भाई। नमस्ते मामा जी, आशीर्वाद दीजिए। MLA जीवा साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके घर से धक्के मार के निकालने के बाद पहले कॉर्पोरेटर बना, फिर MLA बन गया, और अब मंत्री भी बन जाऊंगा। तुमसे मिलने के बाद गौरी ने बताया था। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है मामा। अरे मामा, क्या लगती है, फिल्म की हीरोइन की तरह। उसे मुझे दे दो मामा, रानी बनाऊंगा। क्या कहा? हाँ, उससे मैं शादी कर लूंगा।
चप्पल से मारूंगा तुझे, चल निकल लोफर कहीं का। क्या मामा, अभी तक वही गुस्सा वही बीपी। अरे मामा, मैं आपकी गौरी से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ही कर रहा हूँ, मैं तो विनम्रता से उसका हाथ मांग रहा हूँ मामा। ए, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा, तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी, तुम्हारी हरकतें मुझे अभी तक याद है। निकल, मेरी बेटी घर पे बैठी रहेगी तो चलेगा, लेकिन तेरे जैसे गुंडे से शादी नहीं करेगी। सॉरी मामा, मैं आपको यहाँ हर्ट करने के लिए नहीं आया था। hey, मैंने तुझसे कहा था ना कि शादी के लिए रस्म रिवाज के साथ यहाँ आना चाहिए। अरे गौरी के पापा हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ की सरकार और कानून को गेस्ट हाउस में बिठा कर प्यार से अपनी उंगली पे नचाता हूं। ट्रैफिक बहुत है बेटी, तुम तैयार रहना, मैं आ रहा हूं। आप पेशेंट की पत्नी हैं? हाँ डॉक्टर। आपके पति के चोट लगने के कारण उनका ब्रेन सेल्स डैमेज होने से उनका सर्कुलेशन रुक गया है, इसीलिए उनकी राइट साइड की जो बॉडी है पैरालाइज हो गई है। जीवा तुम? स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूं तो, अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस घर में एक अच्छे दामाद की जरूरत है, और अगर इस शुभ कार्य में मेरे कदम पड़ गए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या कहते हो मामा? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जीवा। चलो सुनो तुम लोग, कॉमन मैन का बीपी बढ़ता है तो उसे स्ट्रोक देते हैं, और मेरे जैसा इंसान स्ट्राइक कराता है। काम बंद, दुकान बंद, और जो सामने आए उसकी सांसें बंद। मैं इसे पसंद करता हूँ, मैंने इससे शादी करने का फैसला किया है, आज से तुम बस मेरी हो। This property belongs to Jeeva! सर आप मेरी बात तो सुनिए सर। सर एक गुंडा मुझे काफी दिनों से टॉर्चर कर रहा है, कंप्लेंट लिखवानी है। बैठो, उसकी सारी डिटेल बताओ। जीवा नाम है, प्रेजेंट MLA। मत मारिए साहब। क्या बोल रहा है ये? हमें नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? बड़े लोगों के खिलाफ कंप्लेन करेगा? तो एक बार अपने बारे में सोच लो। सुनो, बाप कोर्ट में है, बाप हॉस्पिटल में, और बहन पैसा कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही है। कंप्लेन करेगा? पुलिस स्टेशन में दोबारा आया तो तुझ पे केस ठोक के अंदर डाल दूंगा। जा। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, तो मैं कैसे जीती? दोस्त रिश्तेदार कोई साथ नहीं था। ये सब होने के बाद मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊं, यही मेरे लिए अब बेहतर होगा, इसलिए मैं उनसे बचने के लिए ये भूतनी का नाटक करने पर मजबूर हो गई। अपनी सेफ्टी के लिए उस तरफ वो जीवा अचानक से आकर मुझसे कहने लगा कि 5 दिन में हम दोनों की शादी होगी, इसलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया। गौरी दीदी, ये क्या है गौरी? तुमने क्या सोचा कि मरकर सीधे स्वर्ग में चली जाओगी? नरक नरक दिखा दूंगा तुझे। बेंगलुरु, मैसूर, हुबली, बड़ोदरा, मुंबई, दिल्ली, तू कहीं भी जाएगी तो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा।
क्या है कि मैं पागल हूं जान, अकेले शिकार करता हूं, हाथ में आए शिकार को कभी नहीं जाने देता, समझ गई? समझ गई? यहां क्या हो रहा है ये सब? डॉक्टर, बस दो दिन में इसे ठीक करो, क्योंकि दो दिन के बाद ये मेरी दुल्हन बनेगी। अरे मैंने कहा ना काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। hey, बात हो गई है। यहाँ पर क्यों आए हो? किससे मिलना है? जीवा से मिलना है मुझे। बॉस अभी बिजी हैं। जो भी कहना है मुझे बताओ। मैं अशोक हूँ, गौरी का लवर। आइए आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए, आइए आइए, बैठिए बैठिए सर, आइए आइए ना, आइए आइए। कोई बात ना बताकर सीधे कहानी खत्म कर दूं और शांति से तुम लोगों की ऊपर की टिकट कटाने के लिए, मैं तुम्हारे खजूर गैंग में रहने वाला मजदूर नहीं, डेंजर जोन में रहने वाले जंगल का पागल शेर हूं मैं। 5 मिनट बोलकर 2 मिनट तो वैसे भी वेस्ट हो गए हैं, अब बचे हैं 3 मिनट। यहां से जाने के लिए मुझे 2 मिनट तो लगेंगे ही, अब बचा है सिर्फ 1 मिनट। क्या कहा? 1 मिनट में खत्म कर देगा? आजा खत्म कर, आजा ना। भाई भाई, ये अभी भी है और मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? थोड़ा रिवाइंड करके देखो भाई। आना छोड़ना मत उसे, पकड़ो, जल्दी पकड़ो उसे, जल्दी जाओ, छोड़ना मत। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेकंड्स लेट हो गया, मैं तो टाइम के मामले में परफेक्ट हूं। तुम लोग चिंता मत करो, अब आपके भेजे हुए लोगों से मीटिंग तो पूरी हो गई और आपके दिए 5 मिनट भी खत्म हो गए। तुमने अपनी मौत का दिन इतनी जल्दी चूज कर लिया, बस एक बुलेट काफी है। मीडिया के सामने फायर करने के लिए दम होना चाहिए बॉस। माइनिंग बॉम्ब माइंड में ब्लास्ट करो तो आप बात कैसे कर सकते हो बॉस? चलो कम ऑन कम ऑन, स्माइल। ये जो पावर है पॉलिटिक्स का खेल है, बिल्कुल करंट की तरह होता है, हाथ लगाओ शॉक लगता है। बॉस करंट से नर्स वीक होती है, सनस्ट्रोक दो तो सेंस वीक होता है, लेकिन मैं मारूंगा तो माइंड ब्लॉक होगा और बॉडी भी शेक होगी। तुझे पता है कि तू कहां है और किससे बात कर रहा है? एक बार अगर मैं टारगेट फिक्स करता हूं ना, तो किसकी जगह है ये मैं देखता नहीं हूं, और जितने भी लोग हो मैं ध्यान नहीं देता। बॉस मुझ में चर्बी से ज्यादा पावर है, जिगर से ज्यादा पावर है। टेंपर छकास खेल खलास, सामने वाले आदमी के बॉडी में शॉर्ट सर्किट कर देता हूं। देखना है, देखना है। रॉन्ग टाइम में रॉन्ग प्लेस पर रॉन्ग पर्सन के सामने तुझे अभी तक मौत क्यों नहीं मिली पता है? सिचुएशन की वजह से। इससे पहले कि मैं तुझे मार दूं, जा और जाकर कहीं छुप जा, क्योंकि उसके बाद फिर तुझे बचने की वजह नहीं मिलेगी। यही
इसी टेंशन की वजह से किसी किसी को छुप के मारा है तुमने, लेकिन मैं तेरे सामने खड़ा हूं। बॉस मेरा एड्रेस नोट कर लो, ये फेज भी नोट कर लो, 24 आवर्स में एरिया में रहूंगा, तुम्हारी पॉलिटिक्स, तुम्हारी पावर, सब कुछ यूज कर लो, लेकिन गौरी तुमको नहीं मिलेगी। तू मुझे डरा रहा है? 100% श्योर शॉट। मैं चलता हूं बॉस। ये क्या है भाई? वो जरा सा लड़का आपको इतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग देकर गया है और आप यहाँ बैठकर आराम से गेम खेल रहे हो। टीवी ऑन करो। मैंने कहा टीवी ऑन करो। अब सर हमें पता चला कि आप शादी कर रहे हैं। आज तक समाज सेवा कर रहा था, इसीलिए सोच नहीं पाया था। सर ये गौरी कौन है? मेरे मुंह बोले मामा की बेटी है, वो मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। भाई आप कमाल हो भाई, कमाल हो भाई आप। राजनीति में रहना है तो चाकू से युद्ध नहीं करना चाहिए, दिमाग दिमाग से युद्ध करना चाहिए। भाई भाई आपने न्यूज देखी? न्यूज तो देख रहा हूँ। ये चैनल नहीं भाई, दूसरा चैनल। हालात बने रहे। शादी से जुड़े किस्से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी अभी इलेक्शंस में खड़े होने वाले हमारे एमएलए जीवा की शादी के बारे में हमें खबर मिली है। जीवा अपने रिश्तेदारी में जिस लड़की से शादी करने वाले हैं गौरी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर अशोक। हाय नमस्कार, मैं गौरी से सिंसियरली प्यार करता हूँ। जीवा जी उसे जीवन देंगे तो मैं अपनी गौरी के लिए जान भी दे सकता हूँ। तो अब हम जीवा से डायरेक्ट फोन पर बात करते हैं। एमएलए के खिलाफ गया तो ये पुलिस बनने से रहा। हेलो सर, क्या आप टीवी पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? ये सब फालतू बातें हैं। मैं एक ही एरिया से दो बार एमएलए बना हूँ, मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश है। हाय बॉस। कौन हो तुम? मैं हूँ बॉस, गौरी का लवर। गौरी से तुम प्यार करते हो ये उसे पता है क्या? लाइव देखते रहिए बॉस, आपको पता चल जाएगा। तुम कुछ नहीं जानते फिर भी वहाँ बैठकर बकवास कर रहे हो। वैसे आप गौरी से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते बॉस। मैं उससे प्यार करता हूँ। वो जानती है क्या बॉस? व्हाट ए जोक, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। एक लड़की की जिंदगी का सवाल है बॉस, मैं तो छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन वो लड़की आपसे प्यार करती है ये बात प्रूव तो हो जाए ना मैडम। ठीक है मैं साबित करता हूँ, ये तुम्हारे लिए नहीं करूंगा बल्कि जनता के लिए साबित करूंगा। गौरी के घर पर आ जाना। सुना आप लोगों ने, तो अब एमएलए जीवा हमें सीधा गौरी के घर पर मिलेंगे। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। गौरी ध्यान से सुनो, तुम मीडिया वालों के सामने ये बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, नहीं तो जिससे तुम प्यार करती हो और जो भी तुझसे प्यार करता है जिंदा नहीं बचेगा। गौरी गौरी गौरी, ये सब क्या है गौरी? बैंड बाजा डेकोरेशन के साथ धूमधाम से होने वाली है हमारी शादी, लेकिन बीच में ये सड़क छाप रोमियो कहां से आ गया? ये तुम्हें परेशान कर रहा है ना? क्या तुम इसे जानती हो गौरी? बताओ जानती हो? गौरी बताओ तुम किससे प्यार करती हो? सबको बता दो गौरी, बता दो। मैं जीवा से प्यार करती हूँ। फिनिश। और कुछ जानना चाहते हो आप लोग? बहुत हुआ, अपना तमाशा बंद करो, जाओ। एक मिनट। अब बताओ गौरी, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? बोलो, बताओ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा ही सर, बोलने और बुलवाने में यही फर्क होता है, एक की पावर दूसरे को हमेशा दबाती है। क्या मतलब? मैं इसे डराकर प्यार कबूल करवा रहा हूँ? एग्जैक्टली। अगर प्यार होता है तो प्यार से, जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं। भाई आपके लिए फोन है। जी वो, मैं तुम्हें यहाँ मिनिस्टर बनाने की सोच रहा हूँ और तुम फालतू की बातों में टीवी वालों के सामने हमारी पार्टी की बेइज्जती करवा रहे हो। सर वो क्या है कि अब ये शादी वादी के चक्कर से बाहर निकलो तुम। ठीक है सर। गौरी अब सच बता दो, किसी से भी मत डरो, बोलो गौरी। मैं अभी जिंदा रहना चाहती हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे इस प्यार में शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। गौरी गौरी गौरी, ये तुमने क्या किया गौरी? अब तक तुम चुप क्यों थी? अगर तुम अशोक से प्यार करती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
तुम्हें मैं बचपन से जानता हूं, इसीलिए तुमसे प्यार कर बैठा। लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम जो भी हासिल करना चाहती हो उसे तुम खुलकर हासिल करो। मैं हूं ना, अगर सही वक्त पर अशोक नहीं बताता तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती। सॉरी, आप लोग मुझे माफ कर दो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को आप सभी यहीं पर खत्म कर दो। थैंक यू। थैंक यू अशोक। इंसान की आंखें बहुत कीमती होती हैं और इन आंसुओं की कीमत दुनिया में कोई भी नहीं लगा सकता। भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी दी है। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया अशोक? रिस्क तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए रिस्क उठाना मेरी कमजोरी है। आई लाइक डेविल्स। ओह, मेरी बात सुन, मुझे झुकाने के लिए तू मुझे पैसे देगा क्या? मैं को दलालों, मेरा डिसीजन, मेरी सिचुएशन और मेरी जिंदगी के बीच में कुछ भी नहीं बोलना। अच्छा, पार्टी है तो पावर, पावर है तो पर्सनालिटी। अरे अब मैं तुझे एमपी बनाना चाहता हूँ और तू बच्चों की तरह शादी की जिद पकड़ कर बैठा हुआ है। पावर, एमपी, मिनिस्टर, पैसा, ये सब होने का क्या फायदा मिला? सब लोगों के सामने इस जीवन ने अपने प्यार को खुशी खुशी किसी और के हाथ में दे दिया। एक एमएलए के लिए ये लानत की बात है। मेरे हथियार, मेरा गैंग अभी भी मेरे पास है। कल उस अशोक को मैं काट कर कुत्ते को खिला दूंगा। ए जीवा, ये काम मैंने मुंबई वालों को दिया है तो आराम से करा देंगे। तुम शांति से 2-3 दिन तक वहीं पर रहो। उसका डेथ सर्टिफिकेट मैं खुद तुम्हें भेज दूंगा।
अभी तक जिंदा है, लेकिन ये बच कैसे गया? अरे बेवकूफो, वो टेरर है, टेरर। कौन ये? ए, इसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बड़े बड़ों को पानी पिला दिया है। इसका निशाना कभी नहीं चूकता है, गोली चलाता है तो जरूर कोई मरता है। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इसे डॉन कहते हैं। डॉन 1986 बैच एंटी क्राइम फोर्स स्पेशल ट्रेंड शार्प शूटर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। भाग रे, भाग यहां से, भाग भाग भाग। मुझे छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मेरी गलती नहीं है साहब। मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, एम्बुलेंस में जाएगा या मॉर्चरी वैन में जाएगा तू खुद डिसाइड कर ले। साहब। स्वामी। सर। सबके लिए चाय मंगवा। ए, चार चाय ला रहे। ए, ये क्या इंसान नहीं? और एक एक्स्ट्रा। ठीक है साहब। तुझे चाय पिला कर मारेंगे। इस गन में और तुझ में डिस्टेंस कम है, तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है ये गन डिसाइड करेगी। सच बता, तू जो भी जानता है सच सच बता। साहब मुझे मालूम नहीं है साहब। अंदर नहीं जा सकते। मेरा आदमी है। कोई नहीं जा सकता, मेरे सर जी का ऑर्डर है। ए, कौन है वो सर जी? ए, सर। सलाम साहब, मेरा आदमी अंदर है। कौन हो तुम? शंकर नारायण। शंकर भाई। अच्छा, मुंबई में तुम्हारा नाम बहुत बार सुना था, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक ही नाम बार बार सुनता हूँ तो इरिटेशन होती है। आप हीरो की तरह है सर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टाइगर शिवराम नायर, प्रेस वालों ने आपको सुपरस्टार बना दिया है सर। सर अगर गलती की तो अरेस्ट करेंगे ना, या फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन क्यों सर शूट कर रहे हैं? तुझे नहीं उठाया,
इसके लिए खुश हो। सर उसकी फैमिली है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। तो क्या उन मारे गए लोगों की फैमिली और बच्चे नहीं है? गन हाथ में लेकर सिग्नल पर ताली बजाने लग जाओ, फिर हम भी खाकी पर पैसा फेंकेंगे। पुलिस से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, हाथ उठा रहा है, कल का सनराइज नहीं देख पाएगा। बंदूक से गोली निकली ना तो तेरे मुंह के अंदर घुस जाएगी। साहब साहब छोड़ो साहब, छोड़ दो साहब, बच्चा है साहब, गुस्सा क्यों हो रहे हैं साहब? साहब सुबह होते ही एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ती है साहब। तुम्हारी शक्ल मैं क्यों देखूं? गेट आउट सर, बेल ऑर्डर। मुंबई की भेलपुरी की तरह कहीं भी मिल जाता है। कल इसे कोर्ट में पेश करेंगे, वहां कर ले जाना। अब चल उड़िया से। पुलिस गिरी डाउन डाउन, पुलिस गिरी डाउन डाउन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवनायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवनायक मुर्दाबाद। जय हिंद सर। क्या चल रहा है इधर? शूट आउट, चेजिंग, आपको गन दी गई है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ना कि गुंडों की तरह गैंग वॉर में गोली चलाने के लिए। अगर इसी तरह से रोज कत्ल होते रहे तो लोगों का पुलिस से विश्वास उड़ जाएगा सर। अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो डिपार्टमेंट हमें सस्पेंड कर देती है। आखिर हम क्या करें, आप ही बताइए सर। एरिया में गटर का पानी आए तो कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर खून हो जाए तो विधानसभा में हमारी नाक कट जाती है। बात करने के लिए, जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। प्रेस वाले भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, अब हम उन्हें क्या जवाब दें? आपको जो बताना है वो बताइए, लोगों को सवाल करने दीजिए सर, सच को कोई छुपा नहीं सकता। इन सवालों का जवाब देने के लिए आप ही ठीक हैं सर, अब लोगों को जैसे हैंडल करना है कर लीजिए। हाँ बोलिए सर। सर रिलैक्स रिलैक्स, वन बाय वन। सर कल के शूट आउट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस गिरी डाउन डाउन, 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवनायक मुर्दाबाद। अगर इंसान को इंसान मारने लगा तो इंसानियत की कीमत क्या होगी सर? अगर पुलिस ही सड़कों पर राक्षस बनकर घूमने लगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आप इस तरह गन से लोगों को मारते जाएंगे तो पुलिस स्टेशन एक दिन शमशान घाट बन जाएगा। ओ, ह्यूमन राइट्स भास्कर इधर आइए। परसों आप हेल्थ मिनिस्टर के बर्थडे पार्टी में गए थे ना? हाँ गया था। कल रात को महिला जागृति कल्चरल प्रोग्राम में भी गए थे। तो वहाँ कोई पुलिस वाला आया था क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? पुलिस को आप लोग पसंद नहीं करते हैं या जानबूझ के पुलिस को बुलाना नहीं चाहते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ए, तुझसे बात करने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती। एरिया में जब डर पैदा होता है तो लोग भगवान से ज्यादा पुलिस को मानते हैं। एक पुलिस के विसिल साउंड से पूरे एरिया में शांति हो जाती है। अगर कहीं लफड़ा हुआ तो एक पुलिस वैन आके खड़ी हो जाए तो पब्लिक की हिम्मत बढ़ जाती है। तुम लोग जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, समझे? इसका अंजाम क्या होगा जानते हो? तुम लोग इंसानियत के बारे में नहीं जानते। ए, इंसानियत और मानवता की आड़ लेकर तुम लोगों को भड़काते हो। मानवता को ही ध्यान में रख के बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा है, उसी संविधान से ये पूरा देश चल रहा है, लेकिन उसे फॉलो करने की योग्यता तुझ में नहीं है और हम फॉलो करते हैं तो तुम टांग अड़ाते हो। क्या बोला? ए, भास्कर तू साड़ियों का बड़ा सप्लायर है ये मैं जानता हूँ। हम लोग क्रिमिनल्स और गैंगस्टर पे फोकस कर रहे हैं, तू उसे डाइवर्ट करने की कोशिश मत कर। अगर तेरा काला चिट्ठा खोलूंगा ना तो मुंह नहीं दिखा पाएगा। डाउन डाउन। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं। सीता, ए सीता, मेरी बेल्ट दिखाई नहीं दे रही है। आंखों के सामने ही है फिर भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप? हाँ, एक पुलिस वाले को तो संभाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन दूसरा पुलिस भी तैयार हो रहा है। मेरा बेटा तो बैंक मैनेजर ही बनेगा। वो क्यों? दूसरी जगह में तो हमें पैसे लेने पड़ते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर बना तो हमारे हाथों से पैसे देगा वो, समझे आप? तो तुम्हें किसी बैंक मैनेजर से शादी कर लेनी चाहिए थी, तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली? लेकिन मैं पुलिस वालों से नफरत तो नहीं करती ना, आपको हमेशा हमसे ज्यादा बाहर वालों की चिंता ज्यादा होती है। आपकी फैमिली है लेकिन फैमिली के बारे में जरा भी नहीं सोचते आप। उसके लिए तो तुम हो ना यार। ये बात है। सुपर, क्या मस्त खेल रहे हैं। इस बार ये लोग कप लेकर ही आएंगे। जरूर सर। सर स्वीट लीजिए। सर स्वीट किस लिए?
शादी तय हो गई है। ओह, इसके कहाँ लिखा है? अरेंज मैरिज या लव? लव मैरिज है सर। सुपर कैच, क्या पकड़ा है तुमने? हाँ, लड़की कुछ करती है क्या? वाइड 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 बॉल वेस्ट, कोई जमीन जायदाद नहीं है सर। अरे नो बॉल हो गया। ठीक है, हनीमून कहाँ जाना है? हमने सोचा है गोवा चले जाएं सर। तो तेरा मैच पहले से फिक्स हो गया। ए स्वामी, जाने दे यार, बकरा क्या मिल गया तू तो बस। हेलो। अरे बच्चे भीग जाएगी, जल्दी 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 जल्दी, एक मिनट। हाँ। अरे बच्चे भीग जाएंगे, दरवाजा खोलिए। सलीम को सलाम। दुर्गा, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। 100% करेक्ट। काम की बात करेंगे या नफरत की? सलीम, तूने दुश्मनी मोल ली है, भेजा सटकाया है। अब तेरी पत्नी के साथ ठंडा करूंगा ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। सलीम शांत, कूल सलीम कूल। तुमने होशियारी दिखाई तो तुम्हारे बीवी बच्चे हलाल हो जाएंगे। बेगम, बेगम जा। सलीम चल ड्राइव कर, अभी तू सिर्फ ड्राइवर है, पुलिस की तरह सैल्यूट करके ड्राइव कर। मेरी जान। बेगम जान। सभी गुनहगारों को पुलिस डिपार्टमेंट सजा नहीं दे सकती है। सर, अभी तक पुलिस वालों की बहुत गैंगस्टर से लड़ाई हुई थी, लेकिन किसी ने फैमिली वालों को टच नहीं किया था, और इन लोगों ने पुलिस वालों की फैमिली पर हाथ डाल दिया है। सर देखो, पुलिस भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। यू हैव टू बी पेशेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। कब तक चलेगा ये ड्रामा सर? हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुनहगार को पकड़ते हैं और वो लोग बेल लेकर आसानी से निकल जाते हैं। तुम ऐसा मत बोलो, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द डैम सिस्टम। ऐसा क्यों? हमारी डिपार्टमेंट पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स को गेस्ट बनाएगी क्या? उनकी सरकार तो 5 साल में चली जाएगी, उसके बाद पाउडर लगा के लिपस्टिक लगा के खड़े होंगे क्या? नहीं सर, गटर क्लीन करना पड़ेगा, वर्दी की ताकत दिखानी पड़ेगी। एटलीस्ट एक एरिया तो कर ही सकते हैं। हम लोगों को पुलिस ट्रेनिंग दी गई, वर्दी दी गई और ये गन दी गई, किस काम की है ये? शट अप, You are all crossing your limits. हमें बोलने दीजिए सर, आजकल लोग पुलिस को 100 dial नहीं कर रहे हैं, बस 100 rupees दिखाते हैं। जो देते हैं उनके आगे जी हुजूर करने की हमारी आदत हो गई है सर, यही हमारी पहचान है। तो क्या तुम भी कानून को अपने हाथ में लोगे? हाँ सर, ये डर ही हमें बैकफुट पे ले आती है। हमारी गन चलाने पे रूल्स है, पर उन गुंडों पे नहीं है सर। सर मुझे बस एक चांस दीजिए सर, अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसका वो हश्र करूंगा कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम करने के पहले 100 बार सोचेगा। पुलिस का नाम सुन के वो पैंट में पेशाब कर देगा सर। कानून के दायरे में रहकर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ बाहर जा रहा हूं, समझे? वापस आऊंगा तो सब संभाल लूंगा। गो गेट द बास्टर्ड्स। यस सर। भाई पुलिस, शंकर तुम्हारा भाई कहाँ है? मालूम नहीं साहब, एग्जाम में 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाने से मैंने डांटा तो वो घर छोड़ के चला गया साहब। वो फेल नहीं हुआ, उसका नसीब हुआ। क्यों सर, अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई केस हो तो न्यूज में नहीं आएगी क्या? न्यूज आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई न्यूज जरूर बनेगा। शंकर तुम ऊपर वाले से ये मन्नत मांगो कि तुम्हारा भाई मेरे हाथ ना आने पाए, नहीं तो वो सीधा ऊपर जाएगा या फिर पानी में डूबेगा। साहब वो कहाँ जाएगा ये सब बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप जाकर देखिए वो कहाँ है, जाइए देखिए। Go!
हेलो, कौन है रे? पुलिस वाला गुंडा है रे। शिवराम, टाइगर शिवराम नायर, तुम्हारे घर का कुत्ता मेरे पास है, उसका हिसाब करके तुझसे मैं बात करता हूँ। शिवराम, शिवराम, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा छोटू है, छोटू मेरा बच्चा है, वो मेरे बेटे की तरह है। बेटे की तरह है तो बेटे की तरह ही ख्याल रखूंगा। टाइगर, उसे कुछ मत करना, वो मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। अगर पुलिस चोर हो तो चोर पुलिस का खेल कैसा होगा तुझे बताता हूँ। शंकर, तू बस 10 मिनट के अंदर वीटी स्टेशन पहुंच जा। भाग कुत्ते भाग। शिवराम, ए, चल बाहर उतर रहे। नहीं शिवराम, ए, बाहर उतारो इसे। चल भाग। टाइगर, ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। भाग, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मत, बिल्कुल नहीं हारना तुम भी। इस सड़क पे उन कमीनों को काट डालूंगा मैं। आपका भाई बनकर ही गुनाह हो गया। आप ही की आंखों के सामने उसने मुझे नामर्द बना दिया और मेरा मजाक बना दिया। छोटू, अब मैं टूट टूट कर बिखर चुका हूँ। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी मुंबई में मेरा ये सर्टिफिकेट शो चला भाई। अब मुझे जिंदा नहीं रहना, जिंदा नहीं रहना मुझे। ऐसे भाई के साथ रहने से तो मौत ही अच्छी है। छोड़ो, 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 छोड़ो। मेरी खुशी, मेरा गर्व, मेरी जिंदगी मेरे सामने जल रहा है। आए, पहले हम कैसे भी करके उन पुलिस वालों को खत्म करेंगे। नहीं, उन पुलिस वालों को खत्म कर देने से ना तो उनकी कहानी और ना ही मेरी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अब ये मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है, इससे अच्छा है मर जाना मेरे लिए। ये सारे यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों को भागने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं, ये मैं वादा करता हूँ। अपने भाई की जलती हुई चिता की कसम खाता हूँ। सलीम, सलीम, कम इन। गणपति बप्पा मोरिया, सबको मैंने डुबो दिया। शंकर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुम्हारी पत्नी और बेटी मेरे पास है। तू मुझसे मत खेलना शंकर। तुमने मेरे भाई के साथ चोर सिपाही का खेल खेला था, तो क्या मैं तेरे परिवार के साथ नहीं खेल सकता? तुझे ये खेल भारी पड़ेगा। तुम्हारे डिपार्टमेंट में कितना दम है ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ। भागो, भागो। बस 10 मिनट में तुम वीटी स्टेशन गेट के पास ही रहना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। शंकर, भाग टाइगर भाग, भाग। शंकर, मेरी पत्नी को अगर कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। घबराना नहीं,
आखिर जिंदगी क्या होती है तुम्हारे परिवार की चाहत ने याद दिला दिया। शिवराम, अब तुझे बात करने का वक्त नहीं है, बस 5 मिनट में सेंट्रल लाइब्रेरी। शंकर! वाह टाइगर, क्या टाइम सेंस है। शंकर, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो तुझे? ये तो वक्त ही बताएगा। हादसे का स्केच मैंने पूरी तरह से तैयार कर दिया। शिवराम, अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जैक्सन सिल्क गोडाउन पहुंच जा। दौड़ राजा दौड़। शंकर, कहाँ है मेरी पत्नी और बेटा? तुम्हारी जिंदगी को मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया। राइट साइड में तुम्हारी पत्नी और लेफ्ट साइड में तुम्हारा बेटा मिलेगा। चॉइस इज योर्स। तुझे अपना बेटा चाहिए या तुझे अपनी पत्नी चाहिए, ये तू खुद डिसाइड कर ले। अशोक, कुछ नहीं होगा। मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। खाकी वर्दी और दूसरी वर्दी में क्या फर्क है, यही पूछा था ना। खाकी वर्दी की वजह से ही आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। आपका सिंदूर खून बन गया है। सुनिए, हमारे बच्चे को कुछ भी करके बचाइए। उसे हरगिज पुलिस वाला मत बनाइएगा। मुझसे वादा कीजिए, वादा कीजिए। सीता, सीता, मुझे किस्मत से ये सेकंड चांस मिला है। अब मैं अपने रिवेंज की रेन्यूअल डेट फिक्स करूंगा। अब मैं 2 प्लान तैयार करता हूँ। एक प्लान को मैं फॉलो करूंगा और दूसरे को तुम, जिसका नाम है टाइगर शिवराम नायर। मैं बैंगलोर में अपनी बहन के घर में रहूंगा। डीसीपी को कल मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए बोलो। जैसे ही बैंगलोर में मेरे कदम पड़ेंगे, वो शिवराम मेरी आंखों के सामने नहीं होना चाहिए। कहाँ है उसे ढूंढो जाकर। ए, मूव मूव करके मूड खराब मत करो, जरा ठीक से रह। ये लाइन कब आगे बढ़ेगी? अरे कोई पागल भक्त है जो इतनी देर लगा रहा है, पता कौन नहीं है ये भाई भक्त शिरोमणि। गजरा, तुम्हारी क्या तकलीफ है, क्यों खड़े हो गए उल्टा? सब भगवान का खेल है, ये कलयुग की माया है। लोगों को होता है दर्द, दुनिया में होती है चर्चा। ये चर्चा दूर होनी चाहिए। सबको लगती है भूख, भूख मिटाता है पैसा, पैसा कमाने के लिए होता है लफड़ा। ये लफड़ा नए तरीके का होना चाहिए। हमारे संस्कारों में ये चलता रहता है। दोपहर में बिरयानी खाना, खाने के बाद लंबे लेट जाना, खाना अभी तक पचा नहीं है,
और उसके बाद फिर से खा लेना। इन सारी बुराइयों की जड़ है गवर्नमेंट। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है। हम देते हैं नेताओं को अपना वोट और बाद में वो हमें देते हैं चोट, इसीलिए हम उन्हें पकड़कर कुर्सी से उतार देते हैं। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो। गजरा स्वामी, तुम्हारे पास बिल्डिंग है। सही कहा स्वामी। एसी कार है। सही कहा स्वामी। अच्छा बैंक बैलेंस है। ये भी सही है। पर प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन ये अन्याय है, धोखा है, लूटपाट है, बदला है, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं इन पापियों को समुंदर में डालकर डुबाना चाहता हूँ स्वामी। कृपा कीजिए स्वामी, कृपा कीजिए। गजरा, अच्छा ये विभूति ले जाओ। दीजिए स्वामी। तुझे कोई भी अगर तंग करे तो उस पापी को ये विभूति लगा देना। प्रभु का नाम लेकर मेरा दिया मंत्र सुनाना। सुनाइए स्वामी। पवित्र नाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापना धाय संभवामी युगे युगे। इसका अर्थ स्वामी? कोई गलती करे तो उसे उसकी सजा प्रभु देंगे। सुपर स्वामी, आज से आप मेरे गुरु हो गए हैं। अपना नंबर दीजिए स्वामी, मुझे कोई तकलीफ होगी तो डायरेक्टली आपको कॉल करूंगा। थैंक यू स्वामी जी। जहाँ जहाँ पड़े संतन के पाँव वहाँ। ये क्या है, गोकुल में नंद साहब झूला क्यों झूला? मामा। नमस्ते मामा। आशीर्वाद दीजिए। आप कब आए मामा? आज ही आया था। ए, ये क्या होलिया बना रखा है? तुम अभी तक बदले नहीं क्या? मैं ट्राई करता हूँ मामा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसे सुधारूंगा। जी ठीक है। मन्ना, लड़कों को भेज, मुझे वो शिवराम चाहिए। बाबा, पवित्र के घर में साधु का वास, विनाशाय चतुर्धाम धर्म संस्थापना करने वाले का नाश होगा, संभवामी सब मरे सब मरे। ये सब क्या है? श्लोक है मामा, एक मिनट। हेलो स्वामी जी, मैंने यहाँ एक पापी को विभूति दी है और आपको फोन किया है। मुंबई की शान, अंडरवर्ल्ड का डॉन। शंकर भाई, वेलकम टू बेंगलुरु। इसे भी मेरे दोस्त। कैसे हो तुम? शिवराम वाली बात का क्या हुआ? जिस आदमी के बारे में तुमने बताया था उसे पकड़ने से पहले ही वो अरेस्ट हो गया। नॉन अवेलेबल वारंट है, कस्टडी में है, बुक हुआ है टाडा केस में। टाडा केस में? मेरी वजह से उसे नर्क से भी ज्यादा बदतर मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दूसरा पंटर कौन है जिसने उस पर केस किया है? कौन हो तुम? इस कॉन्क्रीट जंगल में बिंदास एंट्री मारे हुए द वन एंड ओनली डेंजरस एनिमल टाइगर। ये आ गया घिसे पिटे पिस्तौल की तरह, ढिचकियों साउंड करने वाला। इस टाइगर का उस टाइगर से क्या संबंध है? संबंध बताने से पहले मैं तुझे एक स्मॉल स्टोरी बताता हूँ। सुन, तुझे रामायण तो बहुत अच्छे से याद होगा, और रामायण में सबसे चहिता इंसान राम ही था, लेकिन मैं रावण को मानता हूँ, लंका के चक्रवर्ती दशानन महाचाणक्य। एक सिर वाला आदमी 100 तरीके से सोचता है और 10 सिरों की कैपेसिटी, तेरी तो औकात ही नहीं है। लेकिन रावण ने एक ही मिस्टेक कर दी कि राम के पत्नी पर गलत नजर डाल दी, और उसके अगले ही पल लंका में आग लगा दी गई और उसके लंका मिट्टी में मिला दी गई। फिर मेघनाथ को वापस बुलाया गया। मतलब तुम्हारी नजर में मैं मेघनाथ और तुम्हारी माँ दुर्गा? तो फिर तुम कौन हो, लव हो या कुश हो? अंजने पुत्र श्री अंजनेया। लव और कुश राम को कितना प्यार करते थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन अंजनेया सबसे ज्यादा प्यार करते थे। खुद के बेटे की तरह सीने में बसाए गए हनुमान की तरह हूँ मैं, टाइगर शिवराम नायर का बेटा हूँ। शाबाश, अब कहानी में ट्विस्ट आया है रे। कहीं से कोई लिंक नहीं मिल पा रहा था तो तुम सही वक्त पर सामने आ गए। टाइगर की पूछ हो तुम। गुड, एक चालाक और दूसरा होशियार।
दिमाग वाला है रे। मुझसे उसे बचाने के लिए तूने अपने बाप को जेल भिजवा दिया, यही ना? टाइगर पिंजरे में रखते हैं टाइगर की सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसों की सेफ्टी के लिए। ए, मुझे भड़का मत, वरना दो मिनट में मैं तेरा चैप्टर यहीं क्लोज कर दूंगा। मेरे भाई की मौत का जख्म मेरे दिल में अभी तक दर्द कर रहा है, ये बात तुझे महसूस होनी चाहिए। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तेरे बाप को मारकर तुझे अनाथ बना दूंगा। लाइफ में एडवाइस दो तो सुननी चाहिए, गलती करो तो सुधारनी चाहिए, लेकिन हमारे पास भी सोच है कैसे करना है क्या करना है, हम भी अच्छे से जानते हैं, समझा? ये क्या भाई, वो आपको चैलेंज करके चला गया? गुस्से में दिमाग काम नहीं करता। शिवराम की बीवी को मारकर उसके बच्चे को छोड़ना ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, और वो सामने खड़ा है। दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, जाकर उसे खत्म कर दो। आप अपना सिर मत झुकाइए पिताजी, गलती मैंने की है। मैंने तुझ पे बहुत अन्याय किया है बेटा, माँ के प्यार से भी तुझे दूर करने का दोषी मैं ही हूं। नहीं पिताजी, माँ अभी भी कहीं नहीं गई, वो आपके रूप में मौजूद है, आपके प्यार में, आपके गुस्से में, आपकी यादों में वो अभी भी जिंदा है, वो हमारे बीच है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो सारे सबूत लेकर आ जाएंगे पिताजी। टाइम हो गया सर, चलिए। हाँ। आपको जल्दी आजाद कराऊंगा। ठीक है बेटा। गौरी। हाँ? इधर आ बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए वो पुलिस नहीं बनना चाहिए। क्यों अंकल? गाना सिखाने वाले टीचर को गुरु कहते हैं, जिंदगी देने वाले डॉक्टर को भगवान कहते हैं, लोगों की सुरक्षा करने वाले पुलिस वाले को सिर्फ पुलिस वाला ही कहते हैं। बार गर्ल जैसी इज्जत भी पुलिस वाले को नहीं मिलती, फिर ऐसी नौकरी करने का आखिर क्या फायदा? लोगों को सुरक्षा के लिए पुलिस चाहिए, समाज में अगर शांति से रहना हो तो पुलिस चाहिए, इसलिए पुलिस को कभी भी चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। तुम तो सब जानती हो, तुम जब प्रॉब्लम में फंसी थी तो कितना रिस्क उठाना पड़ा था, क्या तुम उसे समझाओगी? मैं सोचकर बताती हूँ, मैं इसे समझा दूंगी, चलती हूँ अंकल। सर। ए, यहाँ क्या कर रहे हो? सर, जायदाद के लिए, पैसे के लिए माँ बाप से दूर जाते बच्चे को देखा है सर, लेकिन मैंने आज एक अच्छे बेटे को देख लिया सर, आप जरूर छूट जाएंगे सर, जरूर छूट जाएंगे। सुनो भाई, मुझे ये जेल की सजा दिलाने वाला कौन है जानते हो? कौन है सर? वो ये है, मेरा बेटा। गजरा। हाँ मामा। आज न जाने कितनी दारू पी गया हूँ, मुझे नशा ही नहीं हो रहा। तो जहर पी लीजिए मामा। क्या? यानी विस्की में थोड़ा रम मिला लीजिए, किक लग जाएगी, ठीक है ना मामा? नमस्ते भाई। लोकल एमएलए जीवा। बोलिए क्या बात है? हम दोनों का टारगेट एक है, आपको पिता चाहिए और मुझे बेटा चाहिए। ये चेस का गेम कभी खेला है तुमने जीवा? ये सब प्यादे मिलकर एक को अटैक करते हैं तो ये सब एस्केप हो जाते हैं, नहीं तो वही खत्म हो जाते हैं और उसका दुश्मन इधर उधर भागता रहता है। इसलिए हमारी सोच, हमारा स्टेप अंडरवर्ल्ड की सोच की तरह आखिरी तक किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। टारगेट मैं बताता हूं, किसी को डाउट नहीं होगा,
मैं ऐसा अरेंजमेंट बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं आपको मंत्र देता हूँ, पवित्र के घर में साधु का वास, विनाश आए चतुर्धाम, धर्म संस्थापना करने वाले का नाश होगा, संभवामी सब मरे सब मरे। स्वामी डीसीपी, प्लान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। श्योर भाई। चलो चलो चलो। नहीं सर, सर ये लोग विधानसभा के सामने बैठकर आंदोलन कर रहे थे और हमारे मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहे थे सर, इसलिए साहब ने इन सबको जेल में डालने के लिए कहा था सर, 24 घंटे जुडिशियल कस्टडी सर। ए, अंदर डालो। पंद्रह मिनट के लिए लाइट ऑफ होगी, काम खत्म कर देना। 15 मिनट क्या सर, बस 10 मिनट ही काफी है। चलो रे। hey, hey, क्या हुआ? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। उसने मुंह से रामायण सुनाकर और आंखों से कुरुक्षेत्र दिखा दिया। क्या हुआ? मुंबई का डॉन मैं, 2 दिन का बच्चा वो, मेरी शक्ल पर सुसु कर गया। क्या करूं मैं? उसकी एक वीकनेस है। क्या? उसकी एक लवर है। अच्छा, वो तो कल तक उसकी लवर थी, अब कैसे उसकी लवर होगी वो, बताइए। लव लव लव, ये बात अभी तक मुझे क्यों नहीं बताई? जाओ उसे उठा कर लाओ। सिर झुकाओ। ये क्या है? वही है भगवान की विभूति, पवित्र के घर में साधु का वास, विनाश आए चतुर्धाम, धर्म संस्थापना करने वाले का नाश होगा, संभवामी सब मरे सब मरे। हम उसे किडनैप कर सकते थे भाई, लेकिन वो बहुत चालाक है, उसने लड़की को कहीं छुपा दिया। वो इतना होशियार है कि फिर एक बार मुझे चकमा देने में कामयाब हो गया। गली गली में ढूंढो उसे। अगर उसका सर नहीं मिलता है तो पूंछ तो कहीं मिलेगी।
ये लीजिए सर। हाय अशोक, पापा की मेडिसिन खत्म हो गई थी, वो सीरियस है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, जल्दी आओ। हमेशा हमारी मदद करते हो, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बेटा। अरे थैंक यू। नहीं नहीं, आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटी गौरी से कहिए। माँ माँ, दीदी कहीं दिख नहीं रही है। हाँ? क्या बात है बॉस, आपने तो टोटली ट्विस्ट दिया है। माइंड चलाने में तो मैं बिल्कुल मास्टर हूं। मैंने उसे मुंबई का हलवा खिला दिया, अभी उसका सिर गिर 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 कर घूमता रहेगा। अगर सीखना हो तो आपसे सीखना चाहिए। hey, गौरी कहाँ है? क्या बात करते हैं बॉस, आपने तो कमाल का ट्विस्ट दिया। जब हम उसे किडनैप करने गए तो उधर से कोई दूसरी गाड़ी आई और वो उसे किडनैप करके चली गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। hey, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कोई प्लान चेंज नहीं किया है और ना ही मैंने कोई गाड़ी भेजी है। अशोक भी वहीं पर था और अपने आदमी भी वहीं पर थे, तो फिर किसने हमें चकमा देकर उसे उठा लिया? लिंगा, लायन लिंगा। मुझे किडनैप करने के लिए किसने कहा था? मैंने। हाँ, और तुमने किडनैप क्यों करवाया? ये सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप था बस। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? खतरनाक चेजिंग, डेंजरस ड्राइविंग, थोड़ा सा मिस होता तो ये लड़की मिस हो जाती। इतना बड़ा ड्रामा हुआ और स्कूल के बच्चे की तरह आप कह रहे हैं पिकअप ड्रॉप? मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने तुम्हारी फैमिली को भी रिस्क में डाला। आई एम सॉरी। सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो? ये रिस्क तुमने मेरे लिए ही तो लिया, प्यार के लिए जान भी देंगे ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, उनके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए कोई लड़का जान देने के लिए भी तैयार है। आई एम सो लकी। और उस लड़के को मैं सामने देख रही हूँ। पहले उसने मेरी ईगो को हर्ट किया, उसके बाद मेरे प्लान को। नेक्स्ट उसका टारगेट मैं ही हूं, ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। ऐसा वो कुछ नहीं कर पाएगा भाई, आप बेकार में टेंशन मत। hey, ये टेंशन की बात नहीं, उसका अटेंशन, डेडिकेशन, ये सब देखकर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अब तक वो मुझसे एक स्टेप आगे ही चल रहा है। hey, तुम्हारे पास पावर होने के बाद भी तुम्हें वो लड़की नहीं मिली? मेरे पास गैंग है, प्लान है, लेकिन उसका बाप नहीं मिला अभी तक, और वो मुझे रामायण पढ़ा रहा है।
उसकी वीकनेस क्या है मुझे बताओ। उसकी सारी वीकनेस को सेफगार्ड ने कवर कर लिया है। उसकी वीकनेस टच करोगे तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब होगा। अगर उसके एम्बिशन को बिगाड़ दें तो टोटली टूट जाएगा वो। ब्रिलियंट बॉय, उसका भी एक एम्बिशन है, उसे एक पुलिस ऑफिसर बनना है और उसमें टांग अड़ाना हमारे लिए मुश्किल है। वजह है, कमिश्नर पर उसका अच्छा इंप्रेशन है। सो कमिश्नर की नजरों में उसे बुरा बनाना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? उसकी सुनाई हुई रामायण में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मारीच। मायावी रूप धर के सीता को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से राम को टेंशन हुई, इसी वजह से रामायण बनी थी। ये वही मारीच है। तो यहां कौन है मारीच? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्वालिफाई हुआ हूं, ये फाइल देकर आपको पता चल जाएगा सर। मैंने बहुत मेहनत की है सर। अशोक नायर, सन ऑफ शिवराम नायर। शिवराम नायर कहीं नाम सुना हुआ लग रहा है। हाँ, टाडा केस में टाइट सिक्योरिटी में है वो, क्रिमिनल। उस देशद्रोही के बेटे हो तुम। सॉरी सर, वो क्रिमिनल है ये प्रूव नहीं हुआ है। उसका रिकॉर्ड में अच्छी तरह जानता हूं। मासूम लोगों का एनकाउंटर करके मेडल लेने के लिए खाकी का गलत इस्तेमाल किया, उस देशद्रोही का तो गला काट देना चाहिए। सर चिल्लाओ मत। तुम्हारे बाप ने अपनी बीवी को मार दिया, किस लिए? क्योंकि उसे तेरी मां पर शक था। सर यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। लिमिट क्रॉस करने वाली मां की क्रॉस ब्रीड हो तुम। हा? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो मुझे मारना चाहते हो ना? जान से मारना चाहते हो? आ जाओ मारो मुझे। चुप क्यों बैठे हो? आओ मारो, मारो मुझे। सर आप क्या कर रहे हैं? मारो मारो सर, मारो। अपने आपको क्यों मारा? सर क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ? डीसीपी केएस रविंद्र को अशोक नाम के व्यक्ति ने चाकू मारा। ये गुंडा पुलिस बनना चाहता था। अशोक ने डीसीपी रविंद्र पर वार किया है। अभी डीसीपी yes! रविंद्र एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई, इस बार आपका टारगेट मिस नहीं होगा। आपके मारीच ने जादू कर दिया भाई। क्या हुआ सर? अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट हुए अशोक को आसानी से कल बेल मिल जाएगी। अगर इसे मर्डर केस बना दे तो 100% उम्र कैद। लेकिन आपका मारीच इस चेस गेम में फंसकर घायल होने वाले डीसीपी को भी शहीद होना होगा। दोपहर तक मौत से लड़ रहे डीसीपी रविंद्र का अब देहांत हो गया है। इनके कातिल अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके परिवार वालों की क्या हालत है आप देख सकते हैं। इनकी मौत ने मुझे मेरी बेटी को अनाथ कर दिया। ये भी पुलिस बनना चाहती है। लोगों की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति की जान लेने वाले को कड़ी सजा देना। उसे सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। अरे रे 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 बहुत बड़े ताकतवर और होशियार हो, लेकिन अभी हथकड़ी पहनकर कैदी बन गए। जिस डिपार्टमेंट में तुम अपनी मर्जी से भर्ती होना चाहते थे, आज उसी डिपार्टमेंट के सामने तुम मुजरिम बनकर खड़े हो गए हो। अब पूरी जिंदगी तुम जलील होकर जेल में पड़े सड़ते रहोगे। ये क्या है जानते हो? तुम्हारे बेकसूर बाप को मुजरिम बनाने का स्टेटमेंट है ये। जो वो सामने खड़ा है ना, उसी ने ही गवाही दी थी। अब तुम अंदर जाओगे और तुम्हारा बाप बाहर आएगा। बहुत मजा आएगा। अब तुम्हारे साथ पुलिस और तुम्हारे बाप के साथ मैं और तुम्हारी लवर के साथ वो सीसीएल मैच खेलेंगे। कब कौन आउट होगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम और तुम्हारा जोश और मेरा अनुभव, वन बुलेट टू टाइगर्स।
क्यों ऐसे घूर रहा है? तुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करना वेस्ट है, तुम्हारे जैसे लोगों को जेल में खाना खिलाना वेस्ट है, रूम देना वेस्ट है, टाइम वेस्ट। संडे नहीं, मंडे नहीं, कभी छुट्टी नहीं मिलती है। तुम जैसे क्रिमिनल पर ध्यान देने के लिए 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, तुमने हमारे डिपार्टमेंट के डीसीपी को भी मार दिया है। अब हम तुम्हारा ऐसा एनकाउंटर करेंगे, क्रिमिनल हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड बनेगा। खाकी क्या है, इसकी वैल्यू अब हम तुम्हें अच्छी तरह से समझाएंगे। पोजिशन, एम। टाइगर, आ जा जल्दी, बैक। पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। ये डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। इस पर पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हमारा डिपार्टमेंट कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा। अगर लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? डीसीपी को मारने वाले को हम क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? जब हमने वीरप्पन को पकड़ लिया तो फिर ये क्या है? डीसीपी राघवेंद्र हत्याकांड मामले में पुलिस डिपार्टमेंट काफी गुस्से में है। इस केस के मुख्य आरोपी अशोक ने खुद गुनाहगारों को सजा दिलाने की बात पुलिस से की है। रुको, लाइसेंस दिखाओ, हेलमेट निकालो। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टाइगर शिवराम नायर। मुंबई में टाइगर की तरह रहने वाला यहां कर्नाटक में लोमड़ी की तरह फंस गया है ना? यही है ना तेरी कहानी? आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है जानते हो टाइगर? तुम्हारी बहू बनने वाली आज रात अपने एमएलए के साथ रासलीला के लिए तैयार होगी और तुम्हारे बेटे को पुलिस डिपार्टमेंट मार मार कर बुरा हाल कर देगा। जिस डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन करना चाहता था आज उसी डिपार्टमेंट में वो जलील होगा। आज तो उसे मरना ही होगा। आने वाले नेक्स्ट मिनट में तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होगा। आज की तारीख में तुम्हारे फोटो पे माला टंगी होगी। जरूर, तुम्हारी डेड बॉडी के साथ मैं सेल्फी जरूर लूंगा। भाई, अशोक अपने जाल में फंस गया है। वाह, क्या टाइमिंग है। बाप अंडरवर्ल्ड की गोली से, बेटा डिपार्टमेंट की गोली से, एक ही टाइम में दो टाइगर खल्लास। अशोक, डोंट मूव, इस डेथ रेस में तुम डेड एंड पे आ गए हो, बट यू कांट एस्केप फ्रॉम पुलिस। मुझे जिंदगी में अगर कुछ ना पसंद है तो वो है पुलिस। यस, डीसीपी को मारने वाला मैं हूं। एसपी, एसीपी, एसआई, सीआई, कांस्टेबल्स, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा तो मेरा मिशन सक्सेसफुल। hey, क्या मिशन है? आप लोगों ने एलटीटी, अलकायदा और जियाद के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी एपीएफ के बारे में सुना है क्या? क्या एपीएफ? वो क्या है? एंटी पुलिस फोर्स। 10 लोगों को खत्म करने के लिए एक पुलिस है, लेकिन एक पुलिस को खत्म करने के लिए हमारी गैंग में 10 लोग हैं। मैं पुलिस का फ्यूचर मिट्टी में मिला दूंगा। सर, अगर इसे मार देंगे तो कोई क्लू नहीं मिलेगा। हम इस नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए हमें ये जिंदा चाहिए। क्या हुआ, कैलकुलेशन है या फिर सीक्रेट ऑपरेशन है? एक बात भूल रहे हो कि तुम यहाँ अकेले हो और यहाँ जितने पुलिस वाले हैं अगर एक साथ ट्रिगर दबाएंगे तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। शेर शिकार पर जाता है तो सिंगल ही जाता है, यह आपका भ्रम है, लेकिन हमारी गैंग के लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से कैसे एंट्री मारते हैं जानते हो क्या? जानते हो? हम बॉस, लीडर, रूलर्स, एपीएफ के चीफ, अंडरवर्ल्ड के किंग, सरदार शंकर नारायण भाई। भाई,
ये सब क्या है? शंकर भाई, मस्ताकी गुस्ताकी खत्म करना शैतानी। सिर्फ ऑर्डर दीजिए, डीसीपी को जैसे मारा वैसे सबको खत्म कर दूंगा। एपीएफ मिशन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। शंकर नारायण भैया के जय हो। सही कहा अंकल, शमशेर सुलेमानी, रब्बर का भाई बाप, धतूरे का मुरब्बा, जय हो शंकर भाई की। अरे थोड़ी देर चुप रहो, क्यों फंसा रहे हो मुझे? ये पुलिस क्यों है और ये तमाशा क्या है? भाई आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अरे डरने की क्या जरूरत है मुझे? भाई इसी को मर्दान की बोलते हैं। पेट्रोल टैंक से पेट्रोल इन पर डाल दीजिए और इनको जलाकर सीधा रोस्ट कर दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे मैं क्यों जलाऊंगा? अंकल क्यों जलाएंगे? मामा ये लीजिए लाइटर, जला के दिखाइए। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुंबई में बहुत सारे मर्डर किए होंगे। तुम मुंबई से हो क्या? सर ये किसी पागल का बेटा है और मेरा दिमाग ऊपर से खा रहा है। ना तो मेरी कोई पहुंच है और ना ही मेरा कोई गैंग है। मुंबई में छोटी सी दूध की डेयरी है और उसी से मैं धंधा करता हूँ सर। आपकी पर्सनालिटी देखो भाई, कोई देख के आपको बोलेगा कि आप दूध बेचते हो? फालतू में झूठ बोलते हो। झूठ तुम बोल रहे हो या मैं? ठीक है बोलो, गाय एक दिन में कितना लीटर दूध देती है? 3 से 4 लीटर दूध देती है। इतना चारा खाएगी? आधा बकेट। और कितना गोबर देगी? कम से कम इतना। 1 क्विंटल गोबर का मार्केट में रेट कितना है? गोबर का कोई पैसा देगा क्या? डिमांड तो दूध की होती है ना। बोलो ना, आप नहीं जानते भाई, गोबर गैस तो गोबर की वजह से ही मिलती है ना। फालतू में इनसे बचने के लिए आप दूध का धंधा करते हुए मत बोलना। आप बस रिमोट का बटन दबा दीजिए, सबको मटन की तरह काट कर कीमा बना दूंगा। कौन सा रिमोट और कहां से आएगा? ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारे डीसीपी को मार दिया, तुम्हारे एपीएफ का उद्देश्य क्या है? आखिर उसका प्लान क्या है? सर आप लोग इस बेवकूफ की बात पर भरोसा कर रहे हैं? सर ये तो क्रिमिनल बैकग्राउंड की फैमिली से है सर। इसके बाप ने इसकी माँ को मारा था सर, और इसने अपने बाप को ही अंदर करा दिया। मैं उन्हें अंदर नहीं डालता तो आप उन्हें मार देते। मैं क्यों तुम्हारे बाप को मारूंगा? क्योंकि मेरे पिताजी एक्स पुलिस और आप एंटी पुलिस फोर्स लीडर हो। कौन पुलिस है कौन लीडर है? फालतू बात मत करो, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। गलत गलत बोलकर आप बच नहीं सकते बॉस। अगर गलत है तो सीधे सीधे गलत बोल देना चाहिए। गलती की है तो उसे प्रूव करो बॉस, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। गलत 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 बातें क्यों कर रहे हो तुम? गलत तो तुमने किया है और मैं क्यों फंसूंगा? क्योंकि आप हमारे लीडर हो। अरे मैं कहां का लीडर हूं? आप लीडर हो तभी तो डीसीपी को मेरे हाथों से टारगेट किया था। अरे डीसीपी को मैं क्यों तुम्हारे हाथों से टारगेट करूंगा? आपके बोलने पर ही मैंने डीसीपी को खत्म कर दिया। अरे उस डीसीपी को तुमने क्यों मारा था? उस डीसीपी को मैंने आपके बोलने पर मारा था। अरे पागल, तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डीसीपी को मैंने ही मारा था? टारगेट फिक्स किया था तूने और वो। क्या कहा? हमारे डीसीपी को भी तुमने मारा? अरे ये आपने क्या कर दिया अंकल, टेंशन में सब कुछ टीवी पर लाइव बता दिया आपने तो, कई भैंस पानी में। I'm extremely sorry sir, सच बुलवाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। hey, कमिश्नर, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, कानून सबूत मांगता है। बहुत हो गया यहाँ पर ड्रामा, इसे अरेस्ट कीजिए और ले जाइए। सॉरी सर, इस एरिया का एमएलए बोल रहा है, अरेस्ट कीजिए और ले जाइए। इट्स माई ऑर्डर। योर ऑर्डर ऑन माई फुट। तुम लोगों ने जो गलती की थी उसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट को सर झुकाना पड़ रहा है। तुम जैसे लोग ऐसे मासूमों को फंसाते हो और उसके बाद सबूत भी मिटा देते हो। hey, टाइगर, तुम हर बार कुछ ना कुछ करके बच जाते हो। उस वक्त प्रेस वालों ने तुम्हें बचाया, इस वक्त पुलिस वालों ने। अगर तुझमें दम है तो सेफ्टी जोन से बाहर आओ, नर्क नर्क दिखा दूंगा तुझे। तुम्हारी पावर तो तुम्हारी पार्टी के फंड में है, लेकिन मेरी पावर मेरे दिमाग और मेरी बॉडी में है। आजा 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 आजा। Yeah, he's a geek.
अशोक, इसे खत्म करने वाला हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से ही कोई होना चाहिए। धनराज, तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारने का डिसाइड कर ही लिया है ना? हा? अब मैं सिर्फ एक फोन कॉल करूंगा तो बस। कहां बात करेगा? मुंबई, बेंगलुरु, सिंगापुर, दुबई? करो। आउट 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 आउट, शंकर नारायण आउट, खेल खत्म, दुकान बंद, सर्वनाश सर्वनाश। टाइगर्स कम ऑन, अरेस्ट मी। शिवराम सर, वन मिनट। अगर गलती से भी ये मेरा भाई बनकर पैदा हुआ होता तो ये अंडरवर्ल्ड को शेक करके रख देता। मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे ये बताओ हमेशा तुम मुझसे एक स्टेप आगे ही कैसे रहते हो? व्हाट इज द मैजिक? ये मैजिक नहीं, माइंड गेम है। तूने मेरी वीकनेस देखी थी लेकिन मैं तेरी स्ट्रेंथ देख रहा था। मेरा स्ट्रेंथ सिर्फ मैं ही हूँ। गजरा है। मुझे अपने खतरनाक खेल में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? अब तुम्हारे साथ मेरा संबंध ही क्या? वो भगवान और भक्त का संबंध है। आ? एक बार तुम स्वामी जी को फोन करो। स्वामी जी को? स्वामी? हेलो भक्त। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल। मैंने गलती से आपको धोखा दे दिया अंकल। मुझे पूरा भरोसा था इस विभूति पे और ये विभूति निकली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, कृपा करके मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर, मैं बहुत नीचे गिर गया हूँ सर। तुम लोगों के लिए जेल सरकारी गेस्ट हाउस बन गया है, अंदर बैठकर भी तुम लोग अपना धंधा चलाते हो। तूने डीसीपी को मारा, अब हम तुझे कुत्ते की तरह मारेंगे। शिवराम सर, आप अच्छे इंसान हो, सीनियर हो, आप इन लोगों को समझा दीजिए। अरे सर, वी आर वेटिंग फॉर योर ऑर्डर। बुलेट रेडी है सर। नहीं, इसके लिए बुलेट वेस्ट है, हमारे डिपार्टमेंट के जूते ही काफी हैं। प्रोटोल अटेंशन, प्रोटोल प्रेजेंट आर, प्रोटोल राइट क्विक मार्च मार्च। सर, अशोक नायर के लिए बैंक से कॉल लेटर आया है। बैंक से है? हाँ। लाओ मैं दे दूंगा। सर, एक बार आपको लेटर दिया तो पता है आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया? अरे तुझे 500 रुपए दूंगा। नहीं चाहिए, 500 रुपए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये रिस्क नहीं उठा सकता। अशोक नायर, मैंने तुझे पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कहा और तू? नहीं पापा, अगर एक बार मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा ना तो ये सब पब्लिक न्यूज और फाइट्स एक एक्शन फिल्म की तरह बन जाएगी। अच्छा, तो तुम मेगा सीरियल की तरह बीवी बच्चों के साथ फैमिली ड्रामा में जिंदगी बिताना चाहते हो? ये सब तो मैं नहीं जानता, मैं बैंक मैनेजर बनूंगा। नो, तुम पुलिस ऑफिसर ही बनोगे। बोला ना नहीं बनूंगा। नहीं छोड़ूंगा। ये चैलेंज है। चैलेंज